निरंकारी मिशन द्वारा युवाओं को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से और आध्यात्म की ओर जोड़ने के उद्देश्य से निरंकारी यूथ सत्संग का आयोजन मथुरा में शुरू किया गया है। मथुरा के हाईवे स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक यूथ सत्संग शुरू किया गया है और 11 बजे के बाद मुख्य सत्संग शुरू होगा। किसी से प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बीच का एक कारण है कि हम सभी के बीच में युवाओं को निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की प्रेरणा से आध्यात्म की ओर जोड़ने का यह क्रम पूरे देश भर में शुरू किया गया है और मथुरा में जिला संयोजक हरविंदर कुमार के नेतृत्व में ऐसे सत्संग शुरू किए गए हैं जिसमें युवाओं की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और युवाओं का रुझान जो है आध्यात्म की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है और युवा अपने गीत भजन कविताओं के माध्यम से प्रेरक प्रसंग सुनाकर लोगों को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करने का एक काम कर रहे हैं। इस तरीके से युवा जहाँ खुद जुड़ रहे हैं वहीं लोगों को भी आध्यात्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं। कहीं अवतार रमता दे जान बंदा रंग पाता है। दासा जी इस श्लोक में ये बताया गया है कि पानी जिस तरह धीरे धीरे चल कर बड़ी नम्रता से ही सागर में पहुंचता है उसी प्रकार अगर बंदे में भी नम्रता है अगर वो बंदा भी अच्छे से रहता है। अभी हम अपने पेरेंट्स से कुछ मांगते हैं और वो सिर्फ वही चीजें पूरी करते हैं जो हमारे लिए सही हो। इसी तरीके से जो दाता है वो हमारे लिए पेरेंट्स के रूप में ही है और अगर हम उससे कोई चीज मांगते हैं और वो हमारे लिए सही ना हो